सारे भाइयों की राम राम। एक बार फिर स्वागत है दास सोनूवाली में साथ सिर्फ सच्चाई का। दुष्यंत चौटाला जी आ रहे हैं, भीतर समस्या सुनने लग रहे हैं। काफ़ी लोग हैं अपनी समस्या सुनाने खातर आ रहे हैं, लेकिन एक कोणा में काफ़ी लेडीज़ हैं, शायद यहाँ भी समस्या सुनाने खातर आ रही हैं। तो इनसे बात करने की कोशिश करें भाई, के कौन सा काम की है, के कुछ है। राम राम जी, कौन सा काम था? समस्या लेकर आ रहे हो? राशन कार्ड चाहिए जी हमने तो। आपका? हाँ जी। राशन कार्ड नहीं है? राशन कार्ड कौन बेटा मेरा? नाम क्या था इधर? मेरा कृष्णा। कृष्णा? हाँ। और शीला का नाता है मेरा बेटा, मर गया विधवा का नाता है। शीला का नाम? हाँ शीला का नाता है मेरा बेटा, मर गया, अभी दो महीने हुए हैं। अच्छा। आने आने बच्चे हैं। अच्छा। हर साल भर पढ़िया रहा, बहुत पैसा लगे, अब घड़ी परेशान है बेटा। अच्छा अच्छा। तो दुष्यंत जी यहाँ कहना आयो की भाई मदद करा कुछ? एक मिनट, तो एक मिनट आइयो आप, आइयो। तो क्या समस्या लेकर आयो? मैं तो ये इनके साथ हूँ, इनके राशन कार्ड नहीं बन रहे, ये भोंग रहे से हैं हमारी, दुष्यंत की पार्टी की हैं, आगे भी वोट देनी है और अपने समस्या लेके आई है कार्ड की, राशन कार्ड की। तो आप इनकी समस्याओं को दूर करने के लिए आपकी पार्टी के पास मैंने जो दुष्यंत जी हैं उनके पास में लेके आयो भाई, ये जो आपके वर्कर हैं आपके काम कर रहे हैं? हाँ, ये वर्कर हमारे से काम मांग रही है, ये समस्या हमने उनके सामने रखनी है। आप जो जेजेपी में किस पद पर? मैं प्रदेश महासचिव शीला चहल। यानी के प्रदेश महासचिव के पद पर हो आप? हाँ। और ये जो आपके वर्कर हैं जो आपके साथ में इलेक्शन में भी रही हैं? हाँ, टाइम रही है। सारी हमारी दुष्यंत की वर्कर हैं सब। हाँ। उनकी वोट दे रही, आगे भी हमारे साथ रहेंगे। तो इनके जो पर्सनल काम है वो आप करवाने के लिए यहाँ पे? हाँ, मैं लेके आई हूँ, ये इनकी समस्या मेरे पास गई है। एक मैडम ताई के कुछ दिक्कत है? राशन कार्ड नहीं मिल रही है, मिलता नहीं राशन, राशन नहीं मिलता, ना मिलता नहीं, ना कोई मारा प्लाट, ना मारा कुछ नहीं। राशन कार्ड बदली मारी कोई सुनाई नहीं, चार पांच फिर जा लिए डीसी के दौरे एप्लीकेशन ला ली, मान जी तीन फिर जा लिया, ईब का गया तो उसने ईब की में जवाब नहीं आया जी। तो ईब जो जो डिप्टी सीएम साहब हैं, एक मिनट में 25 लुगाई है जी भोंगरे की, कोई किसी ने भी कोटा में राशन नहीं मिल रहा जी। तो 25 एक ही गांव की 25? हाँ 25। तो इसी तो और गांव में बहुत होंगी सारी SC BC में था जी, कोई जनरल में तो नहीं है। एक बताओ, एक बोलो जो समस्या है, नहीं एक बताओ पूरा। एक मिनट बोलो, एक भाई तुम्हें आज तुम बता दे। तो ये महिलाएं हैं ये अपने गुवाड़ के हैं, मैं बड़ौदा की हूँ, ये भोंगरे की हैं। अच्छा। तो ये अपनी समस्या लेके आ रही है, इनके राशन कार्ड नहीं, इन्हें कब कॉलोनी मिल रही नहीं, तो हम ये देश का भरोसा रह रही हैं। अच्छा। तो एक या बीमारी चाल पड़ी, बीमारी में कुछ नहीं कर पाया। तो अब लागा है बना की बात इनकी? हाँ ईब न्यू लागा में इनकी बात बन जाएगी, पूरी पूरी बात बनाएगी, उम्मीद है। हाँ, क्योंकि काफी समय बाद दुष्यंत चौटाला आए हैं और लोगों ने थोड़ा सा मन भी मोड़ लिया था। कोई बात नहीं थी, जो हमारी पार्टी के खिलाफ थे ना वीरेंद्र के वर्कर थे, उन थी मुंह मोड़ा था, हमारा कोई वर्कर ने मुंह नहीं मोड़ा था। लेकिन अब मैंने नई ऊर्जा के साथ में आप मैदान में उतरे हो? हाँ मैदान में उतरे, इनके साथ हूँ मैं, आगे भी साथ ही रहूंगी। तो आप जी? मैं मुकेश डूमर खान जी महिलाओं प्रधान उचैनाल का की, इन महिलाओं की नहीं राशन की और पानी की समस्या जो बहुत ही जल्दी पूरी होगी, और हमें भी उम्मीद है और इन्हें भी उम्मीद है, ये उम्मीद के साथ आई है और इनकी उम्मीद बहुत बहुत जल्द पूरी होगी। ये भाई है हमारा दुष्यंत भाई, हमारा एक माँ का बेटा बनकर एक बहन का भाई बनकर आप सबकी समस्याओं का समाधान करेगा, पूरी उम्मीद है जेजेपी पार्टी पर, भाई दुष्यंत चौटाला पर, और आगे भी पूरे समर्थन से बनाएंगे। अब तो काफी लोग हैं क्योंकि भरिया है जो समस्या थी सुनने खातर है नहीं, और सुनान खातर भी पूरी पब्लिक आ रही है। हाँ जी, अरे हाँ जी आ रही है, सब किसान का बहुत अच्छा हमारा आ रही है जी। हेलो, इसका कैमरा गया? हाँ सभी लोग आए हुए हैं जी, सबकी समस्या सुनेगी यहाँ पर भाई दुष्यंत चौटाला, हर 20 तारीख को, हर महीने की 20 तारीख को आप लोगों की समस्या सुनेंगे और उनका तुरंत समाधान किया जाएगा। एक बार और है,
जो बार आपने देखा है पीटीआई जो निकाल दिए हैं 1983, क्या आप उनका समर्थन करोगे भाई वो वापस उनको जॉब मिलनी चाहिए? उनका घर परिवार है उसकी जॉब के बगैर रुक गया है। सरकार सोचेगी, सरकार का काम है, हम सरकार में उद्दे पर कोई बात नहीं। सरकार में ये भी एक अच्छे उद्दे पर है ना? हाँ जी बिल्कुल है। इनको भी आप, इनका ये समय है, ये हर एक रोजगार को बेरोजगार देने का काम करेंगे, बेरोजगार को रोजगार। हाई कोर्ट का फैसला है, इसमें कोई डिप्टी सीएम का फैसला नहीं है, ये कोई हमारी सरकार का फैसला नहीं। उम्मीद है ना जो खट्टी का मोदी का है, ये तो दुष्यंत की कोई हुआ नहीं है, दुष्यंत का अपना नहीं है, ठीक अपना सबकी जनता की सुना है। छोटी जी आप किस किस समस्या लेकर आए हो? मैं तो सारी जनता का लहू भैया, जैसे लेडीज है, किसी को राशन की कमी है आजकल, वो भूख से बैंब रहे हैं, और अधिकारी जो बैठे हैं सुनते सबकी हैं। इस राज में बड़ा ज्ञान आ रहा है, हमने तो मारे तो कहाँ अटक देनी, ठीक है। दुष्यंत के राज भी ना मार को चैन नहीं आ रही, अब कई दिन नहीं मिल पाए तो हमने तो नहीं हो गया, तो जो मारा है बालक विदेश में जा रहे हैं। आपकी पार्टनर केड़ो खड़ा है? मैं नहीं, मेरी बात सुनो, केड़ो है ना वो, उसकी तबीयत खराब है, और केड़ो न्यू को नहीं, एक भी केड़ो बाज की होगी वह तो पाड़े नहीं पट दी। हमारी पार्टी की मैन है, हमारी सीनियर है। ये तो सिर्फ अफवाहें हैं जी, फलानी बैज की, तकड़ी बैज की। मैंने ये भागने की बात नहीं की, मैंने कहा आपकी पार्टनर केड़ो कहाँ है? वो बीमार तबीयत से है, आपके साथ में रहेगी थी वो? मेरे साथ रहेगी, मैं चंडीगढ़ थी, मैं मेरे गले में सर्वाइकल हो रहा है, मैं कल आई हूँ, मेरी उससे संपर्क नहीं होया, और आवेगी वह जरूर आएगी। बताऊँ दूसरे तो है ना, सबके काम करवाएगा। ये लॉकडाउन करके ना हम मुन्यू हो रहे हैं, हाँ जुनू कोई किसी का कुछ नहीं हो रहा, हमने भी अपनी चिंता भी है, जो सरकार हमारी चिंता करी है जनता की लॉकडाउन के बारे, सबको कह रहे हैं घर में बैठो, और सबको घर में राशन भी पहुँचा रहे हैं, सरकार पैसे भी भेज रही है गरीबों के, कईयों को नहीं मिल रहा, नहीं उनकी समस्या लेके हम दुष्यंत से मिलेंगे। और ये लेडीज भी बोंगरा से, कुचाणा से, कई गांव से आई हैं, और हमारे को तो दुष्यंत के बगैर नींद भी नहीं आंदी। तो एक सक्रिय कार्यकर्ता ये भी है सोनिया जी, तो आपके समस्या किसकी लेकर आ रहे हो? मैं तो जी खुद की लेकर आ रही हूँ, हर घनी चिंता मैंने लुगाइया की भी है। ये बोंगरा था जी, यार बोंगरा है मेरा काका, ओडा का मतलब उन्दी भेजी है, और एक मार वर्कर है तो सौ ले आया है। अच्छा ठीक है जी, ये आई अपनी समस्या को सुनाने के लिए, यानी कि दुष्यंत के पास बोंगरा वालियों के साथ में। हाँ जी ना आई क्या ना उसे भेज दिए, फोन पर कॉन्टेक्ट होया था ले किसी का, कल भाई नुनू अम्मा जी भेज दियो, मैं ओडे पाऊंगी आगे, हूँ तो मैं आऊँ भी कौन थी, फिर इनके मारी आना पड़िया। आना भी चाहिए। हाँ जी एक मिनट रुक जाओ प्रधान जी, आप भी थोड़े हैरान। हाँ जी मैं ये कह रही हूँ, जो दुष्यंत से ये वीरेंद्र की पार्टी वीडियो बनाकर भेज रही है, ये कर दो हमारे को गाड़ी दे दे, ये दुष्यंत किसको गाड़ी देगा? अरे अपनी चौधर जी खुद गाड़ी लो, खुद खर्चा लगाओ, चाहे पानी चाहिए तो किस किस को देगा? 90 प्रधान है हरियाणा में, 90 प्रधान है, किसको देगा गाड़ी? उसके खिलाफ वीडियो भेज रही है, और वो आज कहती है हमें हमारे हाथ में पावर है, तो उसको बदनाम क्यों कर रही है? हमारे उसमें डिप्टी सीएम में कोई भी कसर नहीं है, सब कुछ नहीं है। हमारे जो डिप्टी सीएम है ना, बहुत सूझबूझ के हैं, वो हर तरफ उनकी नजर होती है, जनता की रंग में रंगे हुए, जैसे ताऊ देवीलाल थे, उनके कर कमलों पे चल के इसने अपनी सरकार बनाई इतने थोड़े समय में। अगर ये जनता को सूझबूझ दे रहा है, उनसे मिल रहा है, उनके कार्य कर रहा है, इसीलिए इतनी जल्दी इनकी सरकार में हिस्सादारी हुई है। देखो छोटे छोटे बच्चे हैं, पिताजी जेल में थे, दादाजी जेल में थे, उस टाइम में भी इन्होंने संगठन को इतना मजबूती से रखा है। आप देखो जब हमारी इनकी क्लियर सरकार आएगी तो हमारा क्या नहीं होगा, हमारे तो बच्चे बच्चे नौकरियां पाओगे। चलो बड़ी अच्छी बात है जी। हाँ ताई तेली के इसमें छेड़ा जी। हाँ बोल बोल बोल, ये कुछ कहना रही है आज तुम? हम और डेढ़ बड़ी लुगाई आंडा ठोकर खांदी हां, पर मारे हां बदल ठोकर खा रही हूं, मेरे कुछ का पोता खातिर खा रही हूं, मेरा पोता मानी बाबू उसका। अच्छा भाई मेरा मरवा की पण जोगी हूं मैं भाई, हां मेरा पोता का कुछ न कुछ होना चाहिए। अच्छा उस खातिर मैं लेके मैं होना चाहिए हां ना राशन मिलता, दिहाड़ी करा ना मारा को साधन, आराम
तो या प्लाट कलोनी या तो लेनी चाहती और फिर आगे भी देवे सुना हरीब भी दिए लागा बड़ी बात लताई भी आन दे जी केस के कहना है एक मिनट आड़ा जो जी आप कोई कमानिया नहीं तीन लड़की हैं कोई घर में साधन नहीं अच्छा। दस साल गुजरे ने हो गया हमने आज कोई कलोनी मिली नहीं कोई हमारा बीपीएल राशन कार्ड नहीं छोटा हा लड़का है नाम क्या है आपका मूर्ति का भोंगरा भोंगरा मैं अपनी वीडियो के माध्यम से कहना चाहूंगा कि भाई मूर्ति है भोंगरा की दस साल होगी इसका पति थी मेरे कोई कमाने वाला नहीं है लेकिन विशेष ध्यान देवे क्योंकि उन परिवार की तरफ थोड़ा सा जरूर ध्यान देवे प्लाट नहीं जी कोई मारा ना मारा राशन कार्ड और बेटा मेरा नहीं वो तो आए रही हैं यहाँ जिला मास जी आपके साथ में यहाँ स्पेशली आपके नाम लिख रहे हैं लिस्ट बना रहे हैं बना रहे उसमें नाम है हाँ जी प्रधान जी पसीना पसीना आप भी हो रहे हो आज के कुछ कहोगे मिलकर मिलके तो जी यही है जो हमने महिलाओं को वादे किए हैं अब उनको पूरा करने का टाइम है और मैं दुष्यंत जीओं से कहूंगी भाई जो वादे मैंने खुद दुष्यंत बन के फील्ड में उतर के वादे किए हैं उन वादों को पूरा करने के लिए आप प्लेटफार्म बनाइए भाई लोग हमारी खाल पाड़न लाग गए हैं और हमारा खातर कुछ करो भाई मैं ताकि लोगों की समस्या समाधान करवा सका जी जी हम चाहेंगे भाई जो भी मीडिया है या मतलब अपना पत्रकार हैं सीएम साहब हैं और जो हमारे कर्मचारी हैं वो इस पर पूरा पूरा गौर करें जो महिलाओं की समस्या उनको दूर करने की कोशिश करें ताकि इन महिलाओं को दर दर की ठोकरें ना खानी पड़े वहाँ की समस्या ये है हमारे पानी के बिजली की कोई दिक्कतें नहीं है दो चार बच्चे हैं उनको डीसी रेट का काम है और थोड़ी सी दिक्कत है जी राशन कार्ड की पांच सात राशन कार्डों की दिक्कत वहाँ है और बाकी इनकी है साथ के साथ सुलझ जाएगी यह वीडियो भाई दुष्यंत तक जरूर पहुँचाई क्योंकि समस्या इस वीडियो के माध्यम से भी सुन लेंगे मैं सही लिखियो जी देख मामला जी बहुत गेड़े काट लिए जी जी तई माम डीसी के भी जा लिए जी अच्छा कोई सुनाई नहीं हो रही जी मारी इनकी पकड़ लियो यहाँ प्रधान बन रहे हैं और इनकी पकड़ोगे नहीं अगला टाइम पे फिर यहाँ पे आएंगे इनकी समस्या सोल्व करके निकला नहीं कोई राशन टाइम पे नहीं बैठ रहा जी डिपो वाला क्या नाम है डिपो वाला का सत्यवान सत्यवान भोंगरा में हाँ जी भाई सत्यवान भोंगरा में है डिपो वाला वो राशन टाइम पर कोनी बांटता इस बात का पूरा ख्याल रखियो और कौन सा आला अधिकारी थी सुनने लाग रहे हो देखने लाग रहे हो नहीं उसका जरूर संपर्क कर लियो राशन तो टाइम पर जरूर बंटवावा है और तो कि मैं हो जाना हो डिप्टी सीएम साहब एक तारीख से रोजगार के लिए यहाँ समाधान कर रहे हैं हर बच्चे को योग्यता के आधार पे सबको रोजगार मिलेगा यानी कि एक तारीख तक के बाद एक तारीख के बाद तो पूरे डेली वेज नाम देगा जाओ अपनी क्वालिफिकेशन ऑफिस में अच्छा ऑनलाइन दिए जाएंगे और उनको रोजगार मिलेगा योग्यता के आधार पे सबको रोजगार मिलेगा भाई यह बात है जमा ताजी लिगड़ का ये शामी रोजगार खातर प्रबंध करने खातर कहे कि भाई एक तारीख तय है ऑनलाइन अपना नाम दर्ज दो कराओ और योग्यता का आधार पर तो हमने वह मिल जाएगी नौकरी रोजगार मिल जाएगा रोजगार मेला कहते हैं ना वो लोग हाँ। कई बार कहते हैं भी ऑनलाइन बच्चे जाएंगे उनको रोजगार मिलेगा हाँ जी आप क्या कहना चाहोगे मैं तो नू कहना चाहूँ जी अजय चौटाला आया था उस दिन मैं रो थी जी अडा जमा नु कहवा नहीं भाई काम नहीं बन दे देखो मेरा तो दो घंटे के अंदर है जिस काम के लिए आई थी मैं वो मेरा काम बन गया और जनता से यही अपील करना चाहूँगी देखो ज्यादा वक्त नहीं होया है दुष्यंत को डिप्टी बने हुए भाई जल्दबाजी मत करो किसी को नौकरी नहीं मिली या राशन कार्ड कुछ भी है धीरे धीरे सबके सब काम बनेंगे इसी कोई बात नहीं है भाई किसी का नहीं काम बनेगा और जो ये नंबर बना हुआ है नहीं नंबर मत बनाओ काम करके दिखाओ जिस तरह सोनिया ना करे है और अलका प्रधान ना करे है और सबका शामी करे जी कोई लुक मांगो नहीं करे वैसे मैं तो इतना ही कहूँगी तो भाई काफी समस्याएं हो रही है कि मैं नई बात है कौन सा के कहना चाहे थी हाँ जी के मिलता जी ना कोई माटी के बर्तन बनाओ कुमार ना कोई भोंगरा गांव में भोंगरा गांव भाई सारी समस्या भोंगरा गांव में आज इकट्ठी हो रही है ना कोई माटी का किला ना कोई होई कोई बर्तन बनाने जगह भी नहीं कोई आप कुमार से हो कुमार हाँ जी अच्छा और ना कोई राशन मिलता बीपीएल राशन कार्ड चाहिए जी मामने और ना कोई नौकरी दिहाड़ी करा हाँ कोई किला नहीं कोई नौकरी नहीं कुछ नहीं रोजगार भाई विशेष ध्यान दिया जावे काफी भी नहीं है हमारा तो भी कोई डांगर भी बांध ले तो मन तो आता को ऊपर खाना पड़ रहा मतलब है ऊपर नीचे रहे मामला से जब का साल हो गए मतलब का मारा कोई प्लाट नहीं एक फुट की जगह दे मारा कोई सुनाई नहीं हमारी गांव में जी है प्लाट के
भाई इतनी सारी समस्या है, सारी समस्या बोंगरा गांव की आज तो ऐड जितनी भी लेडीज आ रही हैं बोंगरा गांव से रिलेटेड आ रही हैं, तो मैं डिप्टी सी एम तो स्पेशली कहूँगा कि इनकी समस्या समाधान करें और ताकि इनकी अगली बार ऐड भीड़ गण में ना आना पड़े क्यों कोरोना फैल रहा है। सर्वे भी हो लिए जी, उसके बावजूद भी हमें कोई लाभ नहीं मिल रहा जी। पहले तो बोले कॉलोनी मिलेगी मिलेगी, लेकिन कुछ भी होनी चाहिए जी। पहले सर्वे हुए फिर कहा था भाई तुमने मिलेंगे? हाँ जी, सर्वे हमारे घर के 3 बार सर्वे हो लिए जी। अच्छा। और फिर भी कोई समाधान को नहीं जी, बस वो सर्वे कर जे हैं अपना दिलासा दे जे हाँ भाई हाँ भाई बन गए। भाई यह घटना तो छात्र गांव में भी मिली थी, एक प्रवीण नाम का था बंदा जिसका घर डैन हो रहे थे, हम ऊपर चढ़ते हुए बैठ रू था, उस पर सारा हल्ला था, उस पर भी कॉलोनी नहीं मिली, 48 कॉलोनी आई थी, उसका नंबर नहीं आया था, लेकिन पूरा गाँव में उसका सब तक खस्ता हालत थी। उसका है घर में सिर्फ 70 गज जमीन है जी, उसमें 5 घर रवे है जी। 70 गज में 5 घर? 70 गज में 5 घर रवे है, यकीन नहीं आते तुम्हारे घर पर जाकर देख लो, जब मड़ी सी भी इस बात में झूठ हो तो। भाई जो कॉलोनी वगैरह है उसका प्रबंध जरूर होना चाहिए, क्योंकि 70 गज में 5 घर आदि रहना बहुत ज्यादा मुश्किल है यार, टांड पर अंधे होंगे आधे तो, और इसका काम बिल्कुल जी। भाई बहुत सारी समस्या हो गई हैं, तो आप इसका बारे में आपकी राय जरूर दियो और जितने भी है शेयर जरूर कर दियो। मिला अगली वीडियो में, तब तक के लिए सारे भाई ना जय हिंद वंदे मातरम।